Let's get started with eukaryotic transcription, which is our next topic. So first, the thing which we have is nuclear RNA polymerase. So a single RNA polymer is responsible for transcription of all different types of RNAs in prokaryotes and archaebacteria. तो एक सिंगल तरीके का जो डीएनए पॉलीमर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए जितने भी तरीके के आरएनएज होते हैं प्रोकैरियोट्स में और आर्किबैक्टीरिया में. लेकिन व्हाइल टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स के पास थ्री आरएनए पॉलीमर्स होते हैं. एंड एडिशनल आरएनए पॉलीमरेज इज फाउंड इन माइट्रोकॉन्ड्रिया एज वेल एज इन क्लोरोप्लास्ट. और एक और एडिशनल तरीके का पॉलीमर हमको आरएनए पॉलीमर मिल जाता है जो कि हमें माइट्रोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, विच कैरी अ स्मॉल डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ देयर ओन. और इस आरएनए पॉलीमर के पास उसका खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होता है. सो आरएनए पॉलीमर वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग मोस्ट ऑफ द आरएनए. पॉलीमर टू सिंथेसाइजेज एमआरएनए. तो आरएनए पॉलीमर वन जो होता है वो आरआरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. पॉलीमरेज जो टू होता है वो एमआरएनए के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और जो मोस्ट ऑफ द एसएनआरएनए होता है उसके सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. उसके बाद जो पॉलीमर थ्री है वो सिंथेसाइज करता है स्मॉल आरएनए को, जैसे कि टीआरएनए या एस या 5S आरएनए, आरआरएनए या फिर U6SnRNA. सो ईच आरएनए पॉलीमर इज़ अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन. और जितने भी आरएनए पॉलीमर्स होते हैं वो मल्टी सब यूनिट प्रोटीन के बने हुए होते हैं. और ये जो यूनिट्स होती हैं ये 8 से 12 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं. जो यूकैरियोट का पॉलीमर सेकेंड है उसमें 12 सब यूनिट होती हैं. द टू लार्जेस्ट सब यूनिट आर होमोलोगस टू बैक्टीरिया बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट्स. और जो दो होमोलोगस यूनिट्स होती हैं बीटा और बीटा डैश वो क्या होती हैं, होमोलोगस होती हैं. इन एडिशन टू इंक्रीज नंबर ऑफ सब यूनिट्स यूकैरियोट पॉलीमर सेकेंड डिफर फ्रॉम इट्स प्रोकैरियोटिक काउंटर पार्ट. और जो ये पॉलीमर यूकैरियोटिक पॉलीमर सेकेंड है ये क्या करता है, ये डिफरेंट प्रोकैरियोटिक जो काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको करता है. एंड इट हैज़ अ सीरीज ऑफ हिप्टेड रिपीट्स विथ कंसेंसस सीक्वेंस. और इसके पास कंसेंसस सीक्वेंस होते हैं जैसे कि टायरोसिन, फिर सेरोटोनिन, फिर प्रोलीन, फिर थायमिन, फिर इस तरीके से. जो इसकी सब यूनिट्स हैं वो ये हैं, एट द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल ऑफ द लार्जेस्ट पॉलीमर सेकेंड सब यूनिट. और जो कार्बोनिल टर्मिनल है उसकी जो लार्जेस्ट पॉलीमरिक यूनिट है वो सेकेंड है. सो दिस कार्बोक्सिलिक टर्मिनल रिपीट डोमिनेट डोमेन सी टी डी इज इन बोथ अ सबस्ट्रेट फॉर अ सेवरल काइनेज इंक्लूडिंग द काइनेज कंपोनेंट ऑफ टी एफ आई आई एच एंड अ बाइंडिंग साइट फॉर अ वाइड एरे ऑफ प्रोटीन. और ये क्या कैसे एक्ट करता है, एक बाइंडिंग साइट के तरीके से भी ये एक्ट करता है. सो आर एन ए पॉलीमर वन सिंथेसाइज ओनली अ सिंगल आर एन ए स्पीसी द लार्ज राइबोसोमल आर एन ए आर आर एन ए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल. तो ये जो पॉलीमर वन होता है वो सिंथेसाइज करता है एक सिंगल आरएनए की स्पीशी को. और ये जो होता है ये लार्ज जो आरआरएनए के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करता है. द लार्ज आरआरएनए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज प्रोसेस्ड इनटू द मैच्योर 5.8S और 18S एंड 28S आरआरएनए. तो ये जो लार्ज प्रिकर्सर्स होते हैं ये इन सब यूनिट्स के होते हैं. उसके बाद जो आरएनए पॉलीमर टू होता है वो एमआरएनए या फिर मोस्ट ऑफ द एसएनआरएनए का प्रोडक्ट होता है. उसके बाद जो पॉलीमर थ्री होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो पॉलीमरेज थ्री होता है आरएनए पॉलीमरेज थ्री उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं टीआरएनए जो कि ट्रांसफ़र आने रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन के एडाप्टर्स की तरह काम करता है. 5S आरआरएनए जो कि राइबोसोमल कंपोनेंट की तरह को
के लिए काम करता है। फिर U6SNRNA जो कि mRNA स्प्लाइसिंग का काम करता है। H1RNA जो RNA पी कंपोनेंट दैट इज़ tRNA प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करता है। फिर mRPRNA जो कि RRNA की स्प्लाइसिंग में हेल्प करता है। 7SLRNA जो कि सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल कंपोनेंट के लिए काम करता है। 7SKRNA जो है उसका फंक्शन अननोन है, और जो साइन ट्रांसक्रिप्टेज है उसका भी फंक्शन अननोन है। सो RNA पॉलीमर इन यूकैरियोट्स डिस्प्ले डिफरिंग सेंसिटिव्स टू टॉक्सिंस कॉल्ड अल्फा अमैनिटीन। तो RNA के जो पॉलीमर होते हैं वो डिफरेंट टॉक्सिंस के लिए सेंसिटिविटी शो करते हैं, और इन जो टॉक्सिंस हैं ये क्या है, अल्फा अमैनिटीन है, अ साइक्लिक ऑक्सा पेप्टाइड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पॉइजनस अमीनिटा मशरूम। और ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है ये एक प्रोडक्ट है एमिनिटीन मशरूम का। सो अल्फा एमिनिटीन वर्क्स बाय इंटरफेयरिंग विद द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस ड्यूरिंग RNA इलोंगेशन। और ये जो इंटरफेयरिंग है इसकी अल्फा एमिनिटीन की, वो वर्क करती है ट्रांसलोकेशन से जो कि RNA की इलोंगेशन से होती है। पॉलीमरेज सेकेंड इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑफ अल्फा एमिनिटीन एंड पॉलीमरेज वन इज कम्प्लीटली रेजिस्टेंस। सो पॉलीमरेज सेकेंड इज ऑल्सो सेंसिटिव फॉर अल्फा एमिनिटीन, और जो पॉलीमरेज वन होता है वो कम्प्लीटली रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट होता है। ओके, देन मूविंग टूवर्ड्स यूकैरियोटिक प्रमोटर। सो यूकैरियोटिक प्रमोटर में क्या होता है कि इन यूकैरियोट्स द टर्म प्रमोटर इज यूज टू डिस्क्राइब ऑल द सीक्वेंस that are important in initiation of transcription of a gene. तो अब एक यूकैरियोट में जो टर्म प्रमोटर हम कहते हैं, तो प्रमोटर वो चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि वो सारे सीक्वेंसेस जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इनिशिएशन में, इनिशिएशन की प्रोसेस में, एक ट्रांसक्रिप्शन में एक जीन के, वो सभी इनिशिएशन के अंदर, वो सभी प्रमोटर के अंदर आते हैं। फॉर सम जीन्स दीज सीक्वेंस नॉट ओनली इंक्लूड द कोर प्रमोटर समटाइम्स कॉल्ड द बेसल प्रमोटर विच इज़ द साइट एट विच द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज असेंबल्ड बट ऑल्सो वन और मोर अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स एज देयर नेम इम्प्लाइज लाई अपस्ट्रीम ऑफ द कोर प्रमोटर। सो कुछ जीन्स के लिए जिनके लिए जो सीक्वेंस होता है वो जो कोर प्रमोटर होता है उसको इंक्लूड नहीं करता है, समटाइम्स जो वो है वो बेसल प्रमोटर को इंक्लूड करता है, और वो जो साइड होती है उसकी इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की वो असेंबल होती है, लेकिन उसमें एक या एक से ज़्यादा अपस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसका नेम इम्प्लाई करता है, एंड दे ऑल लाई इन द अपस्ट्रीम ऑफ द कोर प्रमोटर। देन RNA पॉलीमरेज वन प्रमोटर। सो RNA पॉलीमरेज वन प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ अ कोर प्रमोटर स्पैनिंग द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट। तो अब RNA पॉलीमरेज वन क्या करेगा कि कोर प्रमोटर में क्या करेगा, स्पैनिंग करेगा उसके स्टार्ट पॉइंट से बिटवीन न्यूक्लियोटाइड दैट इज़ 45 -45 टू +20 एज एन अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट अबाउट 100 बेस पेयर फर्दर अपस्ट्रीम। पॉलीमरेज ये उसकी UCE है दैट इज़ अपस्ट्रीम कंट्रोल यूनिट, और ये इसका कोर प्रमोटर है, और ये क्या है, राइबोसोमल DNA है। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फॉर RNA पॉलीमर वन हैज़ अ कोर प्रमोटर सेपरेटेड बाय अबाउट 70 बेस पेयर्स फ्रॉम अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, देन RNA पॉलीमर वन बाइंड थ्रू द कोर प्रमोटर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ RNA पॉलीमर थर्ड, मतलब RNA पॉलीमरेज थर्ड है। तो हमने पहले पहला डिस्कस किया, उसके बाद हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड। तो थर्ड में क्या होता है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग एंड अनयूजुअल फीचर ऑफ प्रमोटर्स यूज्ड बाय पॉलीमर थ्री। तो ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल फीचर्स के प्रमोटर्स होते हैं जो पॉलीमर थ्री के होते हैं स्पेशली।
So in that, the majority includes important sequence elements downstream of the transcription start site. तो इसमें क्या होते हैं, जो majority के important जो sequence elements होते हैं वो downstream में present होते हैं transcription site की. देन टाइप वन प्रमोटर में 5 sRNA जीन होता है जिसको चाहिए होते हैं इंटरनल एलिमेंट्स फॉर इफिशियंट ट्रांसक्रिप्शन. तो इसमें ए ब्लॉक लोकेटेड है वो 50 to 70 बेस पेयर्स के बीच में होता है, और जो सी ब्लॉक होता है वो 80 to 90 के बीच में होता है, जो कि हमें यहाँ पे इस डायग्राम में गिवन है. इस बॉक्सेस ए एंड इसमें 50 to 70 तक है, एंड द बॉक्स सी विच कंटेन्स +80 to +90 एंड इट इज़ इन 5S ribosomal. सो आफ्टर दैट टाइप टू प्रमोटर आर फाउंड इन tRNA जीन, दैट इज़ ट्रांसफ़र RNA जीन, कंसिस्ट ऑफ टू हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस ब्लॉक्स. एंड इसमें जो हैं बहुत ज़्यादा हाईली कंजर्व्ड जो ब्लॉक्स हैं वो लोकेटेड होते हैं, जो कि ट्रांसक्राइब्ड रीजन होते हैं. द फर्स्ट यूकैरियोटिक प्रमोटर टू बी कैरेक्टराइज बिलोंग टू tRNA, और ये जो पहला जो यूकैरियोटिक प्रमोटर है वो जो कैटेगरी उसकी जब हमने दी थी तो वो कैटेगराइज हुआ था और वो इसी tRNA के ग्रुप को बिलोंग करता है. आफ्टर दैट वी हैव टाइप 3 प्रमोटर जो कि हमें U6SNRNA जीन में मिलता है, जो कि टाटा बॉक्स कंसिस्ट करता है, जो कि लोकेटेड होता है 30 to 25 बेस पेयर्स के बीच में. एंड अ प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट दैट इज़ PSE बिटवीन 66 to 46 बेस पेयर, और जो इसका एक डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट होता है जो कि DSE है वो 244 बेसिस से 214 बेसिस तक होता है. सो अ प्रमोटर ऑफ RNA पॉलीमरेज 3 में कंसिस्ट ऑफ बाईपेराइटल सीक्वेंस डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट विथ बॉक्स ए सेपरेटेड फ्रॉम आइदर बॉक्स सी और बॉक्स बी एज वेल अप स्ट्रीमिंग सीक्वेंस. देन 5S RNA जीन हैज़ टाइप 1 प्रमोटर, तो 5S के पास टाइप 1 प्रमोटर होता है. एंड जो tRNA जीन हैव 2 प्रमोटर्स एंड U6SNRNA जीन हैज़ अपस्ट्रीम टाइप प्रमोटर्स. नाउ वी हैव द RNA पॉलीमर सेकेंड प्रमोटर. सो RNA पॉलीमर सेकेंड प्रमोटर आर वेरिएबल, ये बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं एंड कैन स्ट्रेच फॉर सेवरल किलो बेसिस, और इनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं बहुत सारे बेसिस के लिए अपस्ट्रीम में ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट की. सो द कोर प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ 2 सेगमेंट्स, तो इसका जो कोर प्रमोटर होता है उसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं जो कि 25 के होते हैं, और टाटा बॉक्स जो होता है उसमें जो इनके कंसीक्वेंसेस होते हैं कंसेंसेस होते हैं वो टाटा XA फिर 3' के लिए होता है, और जो X होता है वो A भी हो सकता है और T भी हो सकता है. एंड द इनिशिएटर जो इनिशिएटिंग सीक्वेंस होता है वो YCARR का होता है, और ये जो Y है वो साइटोसिन भी हो सकता है या फिर थाइमिन भी हो सकता है, और जो R है वो एडिनिन भी हो सकता है या ग्वानिन भी हो सकता है. सो लोकेटेड अराउंड न्यूक्लियोटाइड +1, और ये इनकी लोकेशन होती है. देन इनिशिएटर आर रिच इन पैरिमिडीन्स, तो ये जो इनिशिएटर्स होते हैं ये पैरिमिडीन में रिच होते हैं. सम जीन्स ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज सेकेंड हैव ओनली वन ऑफ दीज 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कोर प्रमोटर. कुछ जो RNA पॉलीमरेज होते हैं, RNA पॉलीमरेज सेकेंड होते हैं जो ट्रांसक्राइब होते हैं वो इन कोर प्रमोटर्स के होते हैं, एंड सम सरप्राइजिंगली हैव नीदर, और कुछ के पास कुछ भी नहीं होता है. सो द लेटर आर नल जीन्स, तो जिनके पास कुछ भी कोर प्रमोटर प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम नल जीन्स कहते हैं. अपार्ट फ्रॉम 2 प्रमोटर एलिमेंट्स, इन 2 प्रमोटर एलिमेंट्स के अलावा द टाटा बॉक्स एंड द इंट्रांसिक सीक्वेंस दैट सर्व्स एज स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट फॉर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो इसके अलावा जो स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होती हैं वो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की तरीके से वर्क करती हैं. अदर सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस सर्व्स एज बाइंडिंग साइट फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स
that control the expression of individual gene. और जो cis acting sequence है वो as a binding site serve करता है, और ये एक individual gene का expression को क्या करता है, control करता है. These cis acting regulatory sequences are frequently for two regulatory sequence are found in many eukaryotic genes. तो ये जो दो regulatory sequences होते हैं ये बहुत सारे eukaryotic genes में मिलते हैं, जैसे कि CCAA टी बॉक्स या फिर डबल ट्रिपल जी सी जी जी बॉक्स जो होता है. स्पेसिफिक प्रोटीन दैट बाइंड टू दी सीक्वेंस एंड स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन हैव सिंस बीन आइडेंटिफाइड. तो ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं जो कि बाइंड होते हैं सीक्वेंस से, ये आइडेंटिफाई हो गए हैं ये ट्रांसक्राइब क्रिप्शन से. तो अब हमें यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर. तो यहाँ पे क्या है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कोर प्रमोटर कंसिस्ट ऑफ टाटा बॉक्स. तो इसका जो एक कोर प्रमोटर है इसमें टाटा बॉक्स प्रेजेंट है. Now moving towards the transcription initiation with RNA polymerase second. तो ये जो RNA polymerase second है इससे transcription का initiation कैसे होता है. तो यहाँ पर तो हमने ये promoters पढ़े different elements के, कि ये वाला element का promoter क्या है, उसका क्या है, उसका क्या. But now we are discussing that transcription initiation with RNA polymerase second specially. So our transcription factor. Let's get started with the transcription initiation with RNA polymerase second. So transcription factors क्या हैं? Unlike bacterial RNA polymer purified eukaryotic RNA polymer second could not initiate transcription in vitro. मतलब कि जैसे आरएनए पॉलीमर होता है बैक्टीरिया का, वो क्या करता है जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको सेल से बाहर भी कर लेता है, लेकिन जो प्यूरिफाइड यूकैरियोटिक सेल का आरएनए पॉलीमर सेकंड होता है, वो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो सेल के बाहर इन विट्रो कंडीशंस में नहीं करता है. सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोटिक जीन्स रिक्वायर्स मैनी प्रोटीन फैक्टर्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स. तो जो ट्रांसक्रिप्शन है यूकैरियोटिक जीन्स का, उसको बहुत सारे प्रोटीन फैक्टर्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, जो कि आरएनए पॉलीमर्स के अलावा भी चाहिए होते हैं उनको इस जो ट्रांसक्रिप्शन है इसकी इनिशिएशन के लिए, या इस ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए. सो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज़ अ ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर. तो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है ये ट्रांस रेगुलेटरी फैक्टर होता है. यूजुअली अ सोल्यूबल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एट अ जीन distant from the chromosome region that is affected, that affects. तो जो soluble protein है जो कि produce होता है किसी भी gene से एक distance में chromosome के, उसको affect करता है. It attaches to DNA at a gene regulatory site और ये attach होता है DNA के उस साइट पे जहाँ पे जीन जो है वो रेगुलेट हो रहा होता है. एंड बाय सो डूइंग इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन. और ऐसा करके वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर जीन के जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको अफेक्ट करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कम इन टू जर्नल टाइप. अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये दो जर्नल टाइप के होते हैं. पहला होता है बेसल जिसको हम जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं, जो कि होते हैं TFIID या TFIIA एक्सेट्रा. तो ये सारे क्या होते हैं, बेसल फैक्टर्स होते हैं विच अटैच टू जीन प्रमोटर, और ये जीन के जो प्रमोटर्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं. एंड सेल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी फैक्टर्स, और कुछ होते हैं सेल के जो स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन ही रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं विच बाइंड टू रेगुलेटरी सीक्वेंस
जो कि रेगुलेटरी सीक्वेंस पे जाके अटैच होते हैं, जैसे कि इनहेंसर या साइलेंसर. सो ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर प्रोटीन फैक्टर में भी रिप्रेसर और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटर्स. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेटर्स प्रोटीन होते हैं, ये रिप्रेसर भी हो सकते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, यानी कि एक्टिवेट भी कर सकते हैं उनको. सो ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर्स लाइक SP1 बाइंड टू रेगुलेटरी DNA सीक्वेंस एंड स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन. तो अब ये जो एक्टिवेटर्स हैं, जैसे कि SP1, तो SP1 क्या करता है कि DNA के सीक्वेंस के साथ बाइंड करता है और उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए. सो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन बाई RNA पॉलीमरेज सेकेंड. सो जीन्स आर ट्रांसक्राइब्ड बाई RNA पॉलीमरेज सेकेंड फर्स्ट बाइंड विथ जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दैट इज GTF, इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम. तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन है RNA पॉलीमरेज सेकेंड से, तो सबसे पहले जो जीन जो ट्रांसक्राइब हो रहे हैं RNA पॉलीमरेज सेकेंड से, वो पहले जाके कहाँ पे बाइंड होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में जाके बाइंड होते हैं, जिसको हम GTF कहते हैं. और ये जो GTF होता है, ये इन्वॉल्व रहता है ट्रांसक्रिप्शन में जो और जितने भी तरीके के पॉलीमरेज सेकेंड होते हैं उनके प्रमोटर्स जो होते हैं, एंड कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द बेसिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी. और ये जो बेसिक ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी है उसमें पार्ट लेता है, जो कि TFIID है. सो विच इज़ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन. और ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये इसकी किस चीज़ का बना हुआ होता है, ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन्स का बना हुआ होता है, TBP. सो एट लीस्ट 12 TBP एसोसिएटेड फैक्टर्स और TAF. सो इसमें एटलीस्ट 12 तरीके के टाटा बाइंडिंग जो प्रोटीन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ, और ये होते हैं टाटा अफेक्टिंग फैक्टर्स. नाउ TBP, विच इज़ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, इज सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन. तो ये एक सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, जैसे हमने पढ़ा था कि टाटा एट करके, तो दैट बाइंड्स टू प्रोटीन वाया इट्स अनयूजुअल TBP डोमेन. तो ये जो उसका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, उसके अनयूजुअल डोमेन से क्या करती है, which makes contact with minor groove in the region of Tata box. तो ये क्या करते हैं, minor grooves बनाते हैं Tata box में. During transcription, TAFs assist in attachment of TFIID to the Tata box. तो अब ये जो TAFs होते हैं, that is Tata affecting factors, तो ये क्या होते हैं, ये असिस्ट करते हैं इस के अटैचमेंट को TFIID के साथ उस टाटा बॉक्स में. सो आफ्टर TFIID हैज़ अटैच टू कोर प्रमोटर, द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ रिमेनिंग GTFs लिस्टेड. सो दीज GTFs बाइंड टू द कॉम्प्लेक्स इन ऑर्डर. तो अब ये जो जो ये GTFs हैं, वो क्या करते हैं, वो बाइंड करते हैं उस उन कॉम्प्लेक्स के साथ जो कि होते हैं TFIIA, TFIIB या TFIIF, फिर RNA पॉलीमरेज सेकेंड और इन सब के साथ. सो द फाइनल स्टेप इन असेंबली ऑफ द इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स इज़ द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द सी टर्मिनल डोमेन, दैट इज CTD. तो जो फाइनल स्टेप होता है उसमें क्या होता है, इनकी असेंबली होती है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप की. तो जो ये है, ये सी टर्मिनल डोमेन, दैट इज CTD, जो है वो जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है RNA पॉलीमरेज सेकेंड की, उसको भी लेता है. सो वंस फॉस्फोराइलेटेड द पॉलीमरेज इज एबल टू लीव द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एंड बीइंग सिंथेसाइज RNA. सो एक बार अगर उसका फॉस्फोराइलेट हो गया, फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेट बन गया,
तो जो पॉलीमरेज है वो फिर खुद एबल हो जाता है कि वो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करे और फिर क्या बनाना शुरू करे, डीएनए के सिंथेसिस को शुरू करे। सो फॉस्फोराइलेशन माइंड बी कैरीड आउट बाय TFIIH। तो अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये TFIIH से क्या हो सकता है, आगे को कैरिड आउट हो सकता है। सो फंक्शंस ऑफ ह्यूमन जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स दैट इज GTF। तो ये जो फंक्शंस हैं ह्यूमन के जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के GTF वो हमें दिए हुए हैं और इनके फंक्शंस हमें दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे। GTFs हैं दैट इज जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सबसे पहला जो है वो है TFIID दैट इज TBP कंपाउंड। सो इट इज़ यूज्ड, इसका फंक्शन क्या है कि रिकग्नाइज करता है डाटा बॉक्स को और जो पॉसिबल इंटर्न सीक्वेंस है उसे, और ये क्या करता है ये प्लेटफॉर्म बनाता है TFIIB बाइंडिंग का। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है TFIID दैट इज़ TAFs। तो ये क्या करते हैं, ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये पहचानते हैं कोर प्रमोटर्स को और फिर क्या करते हैं ये रेगुलेशन करते हैं उस टाटा बाइंडिंग प्रोटीन के बाइंडिंग का। उसके बाद TFIIA ये क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है टाटा बाइंडिंग प्रोटीन को और जो TAFs होते हैं उन्हें। उसके बाद TFIIB का काम होता है इंटरमीडिएट की रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज। सेकेंड इन्फ्लुएंसेस सेलेक्शन टू ऑफ स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और ये इन्फ्लुएंस करता है कि कौन सा स्टार्ट पॉइंट है उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद TFIIF इट्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ RNA पॉलीमरेज। सेकेंड तो अब ई है, तो ये ना ऐसे है आगे सबके TFII लग रहा है और पीछे जो है वो उसके ABFEH लग रहा है। तो अब TFIII क्या बनाता है, ये इंटरमीडिएट का रिक्रूटमेंट करता है और ये क्या बनाता है, ये मॉड्यूलेट करता है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं TFIIH की उन्हें। उसके बाद TFIIH क्या करता है, ये हेलिकेज एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि क्या करता है, ट्रांजिशन करता है जो क्लोज्ड टू ओपन प्रमोटर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनके लिए। उसके बाद ये क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है प्रमोटर को उनके क्लियरेंस करने के लिए फॉस्फोराइलेट के लिए जो सी टर्मिनल डोमेन होता है उसके, जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है RNA पॉलीमरेज सेकेंड की। सो नाउ वी हैव असेंबली ऑफ RNA पॉलीमरेज सेकेंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स द इनिशिएटेड जर्नल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड प्योरीफाइड RNA पॉलीमरेज सेकेंड बाइंडिंग सीक्वेंस टू अ टाटा बॉक्स फॉर DNA टू अ फॉर्म अ प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो उसमें जो पहला स्टेप होता है TFIIID का वो बाइंडिंग बाइंड्स स्पेसिफिकली वो टाटा सीक्वेंस से बाइंड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स B होता है वो फॉलो करता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड को और फिर वो एक्सकॉर्टेट करता है जो एफ फैक्टर होता है उसे। फिर जो ई और एच होते हैं वो असेंबल होते हैं उस कॉम्प्लेक्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ATP। जो एच कॉम्प्लेक्स होता है वो पॉलीमरेज सेकेंड से क्या करता है, इनिशिएशन शुरू कर, और फिर उसके बाद क्या होता है, जो साइट होती है फॉस्फोराइलेशन की इन अ CTD दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ पॉलीमरेज सेकेंड। द CTD कंटेन अ स्ट्रेच ऑफ 7 अम्यूनो एसिड, और ये वो जो CTD होता है उसके पास 7 अम्यूनो एसिड्स का स्ट्रेच होता है जो कि रिपीट होते हैं मल्टीपल टाइम्स। तो ये है कि पहले जो है वो डी जो है कॉम्प्लेक्स वो बाइंड हो रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर एफ, और इसको हम पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज सेकेंड भी कहते हैं, और फिर है ई और फिर एच, और ये क्या करता है, इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन का। नाउ ट्रांसक्रिप्शन इन्वॉल्व इन अ यूकैरियोटिक सेल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है जो कि इनिशिएशन में क्या हो रही है, यूकैरियोटिक सेल्स के इन्वॉल्व हो रही है,
वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिवेटर प्रोटीन्स. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन है, इसके लिए हमको एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर प्रोटीन चाहिए होता है. दीज प्रोटीन्स बाइंड टू अ सीक्वेंस, स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंस में जाके बाइंड होते हैं. अ टिपिकल यूकैरियोटिक जीन हैज़ मैनी एक्टिवेटर प्रोटीन. और जो एक यूकैरियोटिक जीन होता है उसमें बहुत सारे एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं विच टुगेदर डिटरमाइन इट्स रेट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. और ये साथ में मिलके क्या डिटरमाइन करते हैं कि क्या रेट होगा ट्रांसक्रिप्शन का और उसका पैटर्न क्या होगा. नाउ समटाइम्स एक्टिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ सेवरल थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड पेयर. और ये कई बार इतनी दूर होने के बाद, मतलब थाउजेंड न्यूक्लियर पेयर्स की दूरी के होने के बाद भी ये काम करता है. सो दीज जीन रेगुलेटर प्रोटीन्स हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज. तो ये जो जीन के रेगुलेटर प्रोटीन होते हैं ये आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं. द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और ये जो होते हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स होते हैं, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स एंड मेडिएटर ऑल टू असेंबल टू एट द प्रोमोटर. तो ये क्या करते हैं, ये क्रोमेटिन की रीमॉडलिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स की और उसको मेडिएट करते हैं कि वो कहाँ पे प्रमोटर में असेंबल हो. सो द मेडिएटर अलाउज टू एक्टिवेटर प्रोटीन्स टू कम्युनिकेट प्रॉपरली विद द पॉलीमरेज सेकेंड एंड विद द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. तो ये क्या करता है, ये मेडिएटर जो होता है ये उस एक्टिवेटर प्रोटीन को कम्युनिकेट अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है. तो अब जो है हमें डायग्राम दिया हुआ है. सो एन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन. तो इसमें कुछ ऑर्डर हैं इवेंट्स के जो कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहे हैं. एक स्पेसिफिक प्रमोटर जो है एस सेरिवेसिस, यानी कि एस सेरिवेसी जो है उसमें. सो द ऑर्डर ऑफ स्टेप्स ऑन द पाथवे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन अपीयर्स टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रमोटर. तो अगर डिफरेंट प्रमोटर्स प्रेजेंट हैं तो इनके स्टेप्स जो हैं वो अलग होंगे. तो इसमें क्या है, पहला क्या है, जीन एक्टिवेटर प्रोटीन बाइंड्स टू क्रोमेटिन. तो इसमें सबसे पहले जो जीन एक्टिवेटर प्रोटीन है वो क्रोमेटिन से जाके उससे बाइंड हो गया वो. तो अब क्रोमेटिन रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स क्रोमेटिन रिमॉडल हो गया. फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन एंजाइम जो होते हैं वो कोमलेंट हिस्टोन मॉडिफिकेशन करते हैं. फिर जो अदर एक्टिवेटर प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, एडिशनल एक्टिवेटर प्रोटीन जो होते हैं वो बाइंड होते हैं जीन रेगुलेटरी रीजन से. और ये जो जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं आरएनए पॉलीमरेज का, ये क्या करते हैं, उसकी असेंबली करते हैं. प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं प्रमोटर में. रीअरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन इन द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, और फिर वो क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं प्रोटीन का उसके जो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पे, तो जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कहते हैं. तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अब जो इन्हेंसर्स है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.